नमस्कार साथियों, यहाँ पर एक बड़ी खबर, बड़ा समाचार अन्वेषक शिक्षकों की तरफ से, जो आम अन्वेषक शिक्षक हैं उनकी तरफ से एक संदेश वायरल किया जा रहा है। ये संदेश समस्त प्रदेश अध्यक्ष जो कह रहे हैं अपने आप को अन्वेषकों का, उनके लिए विनम्र निवेदन है आम अन्वेषकों की तरफ से। और इस संदेश में दर्द बयान किया गया है आम अन्वेषक का, उसकी जो मुश्किलें हैं, उसकी जो मजबूरियां हैं और उन्हें क्या चाहिए, उसके लिए एक निवेदन किया गया है कि समस्त प्रदेश अध्यक्ष एक हो जाएं और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के 21 मार्च में जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने की संभावना है उसमें जाएं और एक गुलदस्ता और एक चादर भेंट करके अपनी व्यथा को बताएं, उनके समक्ष विनम्रतापूर्वक अपनी समस्याओं को रखें। और क्या वो समस्याएं हैं, मैं बारी बारी से बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहली समस्या यहां पर लिखी गई है, हम अन्वेषकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण वर्तमान सर्वे में 100 से 120 किलोमीटर दूर है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं अन्वेषक टीचर्स जो हैं, शिक्षक हैं, अपने घर से, उनके घर से दूरी स्कूल की काफ़ी लगभग 100 से 120 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है, जो कि इस अल्प मानदेय में असंभव है। किस तरीके से वहाँ पहुँचते हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, देश के भविष्य को तैयार कर रहे हैं, देश की नींव को तैयार कर रहे हैं, अपना सर्वस्व निछावर कर, इसके लिए महाराज जी ध्यान दें। दूसरा पॉइंट है, अधिकांश अन्वेषक प्रशिक्षित हैं, बीएड, टैट हैं, बीबीएड और डीएलएड हुए हैं। कहने का तात्पर्य ये, ज़्यादातर जो अन्वेषक टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, बीएड, टैट सारी दक्षताएं वो रखते हैं और सारी पात्रताएं उनके पास हैं, कह सकते हैं कि वो योग्य हैं, तो उनके लिए परमानेंट टीचर बनाया जाए, उनके बारे में सरकार सही निर्णय, उचित निर्णय लेने का कष्ट करे। और तीसरे पॉइंट में बताया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कला, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कंप्यूटर आदि विषयों को विशेष विषय के रूप में शामिल किया गया है। जी हाँ साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू होने जा रही है, उसमें ये पॉइंट हम अपने चैनल के माध्यम से ये बात हम बता चुके हैं। पिछले वीडियो में आपने जाना होगा तो हमने आपको बताया था कि क्या पॉलिसी है और क्या व्यवस्था की गई है इन विशेष शिक्षा, कला शिक्षाओं के लिए, शारीरिक शिक्षाओं के लिए, गृह विज्ञान, कंप्यूटर के लिए, इनको एक विशेष सब्जेक्ट का दर्जा दिया गया है, जो कि हमारे बच्चों को हर हालत में प्राप्त होना चाहिए, हर हालत में उनको ये शिक्षाएं मिलना चाहिए। जब इनका टीचर्स होगा तभी ये कलाएं मिल पाएंगे। और टीचर्स हम लोग पहले से मौजूद हैं 6th to 8th स्कूलों में, कह सकते हैं जूनियर हाई स्कूल में हम लोग मौजूद हैं, अनुदेशक लोग मौजूद हैं, उनको उनके ही पद पर परमानेंट किया जाए, उनको नियमित किया जाए, ये मांग जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका व्यवस्था है। अब बात करते हैं, चौथा नंबर है, 10 वर्षों का कीमती समय हम लोगों ने बेसिक शिक्षा विभाग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में व्यतीत किया है। जी हाँ साथियों, ये एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है, 10 वर्ष का एक युवा ने अपना समय दिया है बेसिक शिक्षा विभाग के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए तैयार करने के लिए अपना बहुत लंबा समय दिया है, तन मन धन से उन्होंने बच्चों को तैयार किया है, देश के भविष्य को तैयार किया है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी है, उनको ऑलराउंडर कह सकते हैं बनाया है, अपने बच्चों को, हमारे देश के बच्चों को ऑलराउंडर बनाने का काम किया, लेकिन उनको उसका मेहनताना उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं मिला है, अल्प मानदेय में उनको काम करना पड़ा है। अब उनकी माली हालत सुधरना चाहिए और आप नहीं ध्यान देंगे तो कौन देंगे, क्योंकि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम सब ने आपको दोबारा चुनकर भेजा है और इसीलिए आपको ये हम लोगों का ध्यान देना चाहिए। पांचवा पॉइंट हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम अन्वेषकों को उचित मानदेय या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से व्यवस्था बनाई जाए।
कहने का तात्पर्य चौथा पॉइंट ये है कि हम अनुदेशकों को जो उचित व्यवस्था कह सकते हैं, समान कार्य और समान वेतन, जो संवैधानिक अधिकार है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि आपको समान कार्य समान वेतन देना होगा, क्योंकि समान समय हम लोग काम कर रहे हैं, परमानेंट टीचर्स की तरह उनके तरह हमारी योग्यताएं हैं, उनसे ज़्यादा भी योग्यताएं हमारे पास हैं और उनसे ज़्यादा हम तल्लीनता से काम करते हैं, क्रिएटिविटी के द्वारा क्रिएटिविटी बच्चों में हम लोग ला रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे मानदेय यानी हमारी सैलरी की तरफ ध्यान दिया जाए और कम से कम 30,000 रुपये जूनियर स्कूल के जो अनुदेशक हैं उनके लिए किया जाए और कह सकते हैं समान कार्य समान वेतन के तहत। अब मैं आखिरी पॉइंट बताना चाहूँगा, यहाँ पर मांग की है हम अनुदेशकों के साथ जो कुछ करना है बहुत कम समय में करें, क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये है कि बहुत सारे अनुदेशक भाई अवसाद में जा चुके हैं, अब उनकी क्षमता नहीं रही है कि वो इतने अल्प मानदेय में सिर्फ 7,500 रुपये में काम कर पाएँ और अपने बच्चों का भविष्य तैयार कर पाएँ। ये असंभव है, इम्पॉसिबल, टीचर्स कर ही नहीं सकता इतने कम समय में, इतने कम मानदेय में और इतने ज़्यादा समय देकर वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इस पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए, यहाँ पर समस्त पीड़ित अनुदेशकों का निवेदन है। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के दूसरी बार बन रहे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से करवत निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अगर हमारा ध्यान नहीं देंगे तो हमारा ध्यान कौन देगा। आपसे एक उम्मीद की किरण हम लोगों को जगी है, हम आपके साथ हैं, पूरा अनुदेशक समाज, पूरा अनुदेशक परिवार आपके साथ है और सदा आपके साथ ही रहेंगे। बस आपसे करवत निवेदन है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की कृपा करें। धन्यवाद।